लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले हर रोज देखने और सुनने को मिलते हैं, पर अत्याचार सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होता बल्कि लड़के भी इससे बचे नहीं हैं। तेरी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? What? मैं बस मोबाइल में था और गलती से आपको धक्का लग गया, that's it. मुझे गलत फहमी हो रही है, तो जैसे हो ना मैं अच्छे से जानती हूँ। कई धोखेबाज लड़कियां पैसों की खातिर शरीफ घर के लड़कों पर झूठे आरोप लगा देती हैं। कुछ ऐसा ही इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की जानबूझकर एक लड़के के साथ टकराती है और लड़के पर ही गलत इल्जाम लगा देती है। पूरा टोटल कंफ्यूजन है मैम, बस ये सब की कोई जरूरत नहीं मैम, आप पुलिस स्टेशन चलिए। क्या हुआ मैडम? देखिए ना सर, दिन दिहाड़े मुझे धक्का मार के चला गया। क्या रे, क्या कर रहे तू इधर? आप कौन है भाई साहब? बहुत हीरो बन रहे क्या रास्ते पे? आप क्यों बीच में पड़ रहे भाई साहब? आप जाइए पुलिस स्टेशन लेके जाइए, तभी इसको समझेगा क्या होने। मैम पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा बोल रहा है। क्या करे पुलिस स्टेशन? फिर लड़की अपनी धोखेबाज सहेलियों के साथ मिलकर लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देकर उससे 5,000 रुपए ले लेती हैं और उसे जाने देती हैं। शर्म आ रही है, दिन दहाड़े लड़की को मोलेस्ट कर रहे हो। फैमिली ओरिएंटेड लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तैयार है तो फिर ठीक है। नहीं, आज इसके साथ हुआ है, कल हम में से किसी और के साथ हो सकता है। वी शुड हेल्प। I'm not done that, ma'am. और आपको जो भी सफाई देनी है आप पुलिस स्टेशन में जाके दीजिए, यहाँ पर कुछ मत बोलिए। I have not done anything, ma'am. Please. Please. You such a pig. और आप प्लीज गाड़ी चलाइए और पुलिस स्टेशन में जाके आपको जो सफाई देनी है दीजिए, यहाँ पे कुछ मत बोलिए। मैम देखिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नो पुलिस स्टेशन मैम, नो पुलिस स्टेशन, प्लीज प्लीज लीव मी। कितना मिला? 5,000। वो देख दूसरा बकरा आ रहा है। इसके बाद ये फिर से नए शिकार को अपने जाल में फंसाने की तैयारी करने लगती हैं। ये वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है और लड़कों पर लगने वाले गलत इल्जामों के प्रति जागरूक कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।